अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दूधपुर चौराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को आगोश में ले लिया और ट्रक के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सुख रहा कि शुक्रवार की वजह से मार्केट बंद था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। महानगर के अतिव्यस्त क्षेत्र दूधपुर इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक ट्रक में विद्युत तार टकराने से अचानक चिंगारी उठने लगी। देखते ही देखते चिंगारियों ने आग का रूप धारण कर लिया और ट्रक में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ट्रक से निकल रही चिंगारियों से अंदाजा लगाया जा सकता है ट्रक के अंदर भयंकर आग लगी हुई है। विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली क्योंकि जहां विद्युत पोल है वहां विद्युत तार लटके हुए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था और दिल्ली से अलीगढ़ को सफर 2.5 घंटे का होता है, वह 12 घंटे में अलीगढ़ पहुंचा। आग लगने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक वाला रात को 2:30 बजे डिलीवरी देने को बोला था हमसे और 1 बजे फोन आया कि मैं ये जेवर जो है वो क्रॉस कर चुका हूँ, 2:30 बजे यहाँ पर आऊंगा। लेकिन 2:30 बजे मतलब 1-1.5 बजे के बाद से उसका फोन आना बंद हो गया। हम लोग मिलाए जा रहे हैं, उसका फोन नहीं मिल रहा था। उसके बाद हमने एजेंट को कॉल किया, उन्होंने 6:30 बजे फोन करके कहा कि हम पता लगाते हैं कि ड्राइवर कहाँ है। ट्रांसपोर्ट कंपनी में फोन किया, ना वो ट्रेस कर पा रहे थे कि ड्राइवर कहाँ है, ना एजेंट ट्रेस कर पा रहा था। तकरीबन 1:30-2 बजे ड्राइवर का फोन आया, मैं जो हूँ यहाँ पर मुझे पता नहीं, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले ने गलत सलत रास्ता बता दिया है, मुझे कहीं और से ला रहे हैं और अब मैं पता नहीं कहीं खो गया हूँ। इधर उधर से पूछ पाछ के FM टावर में जाके खड़ा हुआ और बोला कि मुझे यहाँ से रास्ता नहीं पता है, आप हमें बताइए। हम ढूंढते हुए वहाँ पे गए और वहाँ से हम ये लेके आ रहे थे, हमें नहीं पता था यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आगे बिजली का तार गिरा और आग लग गई और नशे में था। और हमने कहा कि तुम्हारा 11 घंटे से, क्योंकि दिल्ली से अलीगढ़ 2.5 घंटे का, हमने कहा तुम 11 घंटे से तुम्हारा क्यों बंद आ रहे। बोला कि मुझे ट्रांसपोर्ट वाले पे गुस्सा आ गया था, मैंने गुस्से में फोन बंद कर दिया, उसने मेरा गलत मुझे रास्ता बताया था, मैंने गुस्से में फोन बंद कर दिया और उसके बाद ड्राइवर को हम यहाँ से लेके आ रहे थे और वो नशे में था बिल्कुल। ड्राइवर हम खुद लेके आए, मतलब हमारी सब मेहनत भी हुई उसके बाद। ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई? बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल सर करूंगी, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आपका ड्राइवर कहाँ है मुझे बताइए, तो कहने लगे कि 125 किलोमीटर दूर से मैं कहाँ ढूंढूंगा, खैर के पास से आप चले जाइए, आप जाके ढूंढ लीजिए। कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी है? मेरे पास गिरिराज कंपनी है, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, मेरे पास पूरी लिस्ट है सामान की। और एजेंट की गलती ये है कि उन्होंने अगर वहाँ से, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी करी, लेकिन उन्हें यहाँ से आना चाहिए था, साथ में कोई क्लीनर नहीं था, ड्राइवर अकेला था, कोई क्लीनर नहीं था और ड्राइवर का मतलब कुछ नहीं उसे पता, छोड़ के भाग गया। लेकिन अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे किसी की जान नहीं गई। मुझे बहुत इस बात का इत्मीनान है कि मेरी वजह से किसी का जान का खतरा नहीं है। मेरा सामान क्या कोई बात नहीं फिर आ जाएगा, लेकिन यहाँ सब बच गए, उसकी बहुत शुक्रगुजार। व्यापारियों का कहना है कि बिजली विभाग की भी कमी है, सारे तार लटके हुए हैं। आप बताइए ये तार, ये गाड़ी को बच गया, आग लगे बताया गया सर, और भैया बताया गया कि बैटरी का स्कूल की बस दो एंट्री का एरिया है, तो जब गाड़ी थाने के पास से गुजरी थी तो वही रोक देनी चाहिए थी, है ना। वहाँ कोई पुलिस वाले ने भी रोकी, मुझे नहीं पता, मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करूंगी, उन्होंने मुझे बहुत मदद करी है इस टाइम। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्सिटी से, हम यूनिवर्सिटी से लाते तो किसी के बाप भाई सब बचे हुए, मेरे सब मेरे अपने भाई हैं अलीगढ़ के, सभी जान बचे। ट्रक यहाँ फट जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, मेरी वजह से कितने ये तकरीबन 9 घंटे तक ये आग लगती रही इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। हमने फोन नंबर पर कॉल किया, उसके बाद तक गाड़ी नहीं आई। हमने लोडे और बाल्टियों ने आग बुझाने की बहुत सारा कोशिश की और इसमें जिसका भी ये माल है हम उसको जान दे दी, सिर्फ इंसानियत के नाते कि हम हिंदुस्तानी है, हमारा कर्तव्य है। कैसे लगी आग? ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, ये आप सामने देख सकते हैं। ये तमाम हाइड्रेट डिपार्टमेंट की लापरवाही
ये फ्लड जो आ रहा था दुनिया भर से वो बिजली का तार टूट गया था, उसकी वजह से आग लगी, बिजली के तार टूट गया आग लगी है और सभी डुबार के अंदर मतलब कई हम आप जाने में जख्मी हुए। देखिए हमारे क्या सामान था इसमें, जितना फैमिली ट्रांसफर हुई थी जो खबर मिली है दुबई से कोई फैमिली इंडिया ट्रांसफर हुई थी उसका माना, और हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे यहाँ जो है फायर ब्रिगेड जो है लोकेशन वो इसका अपडेट होनी चाहिए इमीडिएटली 5 या 10 मिनट के अंदर, हम एक को दूसरे मुल्कों से मुकाबला करते हैं मगर उसके नाम पे हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है।